Happy New Year, people! New Year is finally here. Means it's a time for new beginnings, new resolutions, new people, new places, new classroom and whatnot. Wow! So much of new beginnings, right? So, well, New Year आ चुका है, यानी कि अब ये वक्त है कि हम जरा शुक्रिया करें कि पिछला साल कितना अच्छा रहा, इसमें हमने कितना कुछ नया किया, नए दोस्त बनाए, नया बहुत कुछ सीखा, और जरा आगे के बारे में भी सोचें कि हम आगे क्या नया करने वाले हैं. Well, it's time to actually look forward and time to look back as well. Well, back से याद आया कि क्यों ना आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं. चलते हैं लगभग 4000 साल पीछे. Well, yes, 4000 years ago in ancient Babylon, when the first new moon followed by the vernal equinox marked the beginning of new year. Well, vernal equinox यानी कि मार्च इक्विनॉक्स के नाम से भी जैसे हम जानते हैं, इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम की शुरुआत होती है सदर्न हेमिस्फीयर में. वेल, ये मार्क क्या करता था कि न्यू ईयर आ गया है, नई शुरुआत हो गई है. वेल, असल में दोस्तों, इस न्यू ईयर की शुरुआत, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, मार्च इक्विनॉक्स तब हुआ करती थी, मार्च से हम न्यू ईयर को मनाना शुरू करते थे. बट आफ्टर दैट जूलियस सीजर आए और उन्होंने जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, और जूलियन कैलेंडर के मुताबिक न्यू ईयर की शुरुआत होने लगी जनवरी से. ये जो वर्ड जनवरी है ना, इसका नाम जानते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ड्राइव किया गया है. इसका नाम पड़ा है रोमन गॉड ऑफ बिगिनिंग्स के नाम पर, जिनका नाम था जानुस, और उनके नाम पर ही ये वर्ड डिराइव किया गया जनवरी. और इसीलिए अब जनवरी से हम नया साल मनाते हैं, नई बिगिनिंग्स करते हैं, नई शुरुआत करते हैं. क्या आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का ट्रेंड है ना, ये बेबीलोनियंस ने ही स्टार्ट किया था. इन फैक्ट जो एंशियंट रोमन लोग थे, वो लोग कैसे न्यू ईयर को मनाते थे, वो असल में ऑफर करते थे सैक्रिफाइसेस गॉड को, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे और कुछ बहुत ही सीरियस पार्टीज थ्रो करते थे. वेल, लकीली एंड हैप्पीली अब हम लोगों ने ये सैक्रिफाइसेस का ट्रेंड तो बिल्कुल छोड़ दिया है. अब हम कुछ और नए ट्रेडिशंस के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं. हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को विशेस देते हैं, ऑल द बेस्ट विश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पार्टीज भी रखते हैं, बट एटलीस्ट सैक्रिफाइसेस नहीं करते. सो दैट really a good thing, but in fact वो जो भी हो, लेकिन आज न्यू ईयर की शुरुआत हम कितने अच्छे से करते हैं और इस जोश को बनाए रखना पूरे साल ही बहुत ज्यादा जरूरी है. In fact, students, क्या आप जानते हैं कि न्यू ईयर हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, बट सबसे बेस्ट क्या होता है, जब टाइम स्क्वायर में बॉल ड्रॉप होता है. वेल, इतना बड़ा इवेंट होता है ये कि लगभग 2 मिलियन पीपल इसे लाइव विटनेस करते हैं और अराउंड 1 बिलियन पीपल इसे अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, और सबके सब मार्क कर रहे होते हैं काउंट डाउन to the new year. Yes, कि कैसे रात के 12 बजे और हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से विश करें हैप्पी न्यू ईयर. वेल, न्यू ईयर की चीज हमने तो पूरी की पूरी फिगर आउट कर ली है, चाहे 1000 साल लग गए इसमें, चाहे कितना भी वक्त लगा, बट वी हैव ऑल दिस फिगर्ड आउट. यस, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. पार्टी हार्ड, स्टे कनेक्टेड, स्प्रेड लव एंड एंजॉय.